कदौरा जलौन में महामारी नियंत्रण हेतु बचाव के लिए शासन के निर्देश अनुसार जिलाधिकारी जलौन द्वारा ही कदौरा क्षेत्र के सीएससी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। सीएससी में जांच आंकड़ा सही थी, जहां पर वैक्सीन लगाने वाले संख्या को जानकारी लेते हुए डोर टू डोर जांच कार्य बढ़ाने का निर्देश दिया गया। गफूर खान महाविद्यालय क्वारंटाइन सेंटर प्रवासियों को रुकने की भोजन व्यवस्था का भी निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि जाँच दायरा बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य टीम की रजिस्ट्रेट वहीं आपको बता दें रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन ग्राफ बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर आने वाले प्रवासियों को रुकने के लिए भोजन व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर ही एसडीएम कौशल कुमार, डॉक्टर अशोक चक और वीडियो सीओ सुनील कुमार और जितेंद्र सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए डॉक्टर विनोद कुशवाहा, जलौन, उत्तर प्रदेश। जनपद में सभी तहसीलों में क्वारंटीन सेंटर और कम्युनिटी किचन स्टार्ट किए गए हैं कि यदि आने वाले प्रवासियों में से किसी को यहाँ होम आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर में रखना हो जी मैम, तो उसको जो है यहाँ रखा जा सकता है और सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी जी। इसका उद्देश्य है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको नियंत्रित किया जाए जी। और इसके अतिरिक्त जनपद में सभी आशाओं द्वारा अभी प्रशासन के अभियान के तहत हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है जी। जी लगभग 1,00,000 से अधिक घरों का सर्वे कराया जा चुका है, जिसमें जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति मिले हैं जी 1,182 मिले हैं हमको, हमने सभी को किट वितरण करा दी है जी। जी इसके अतिरिक्त भी जो पॉजिटिव या हमारे एक्टिव केसेस हैं सभी को होम आइसोलेशन किट, जो होम आइसोलेशन में हैं जी, उनको होम आइसोलेशन किट का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मैम एक बात और, आप जो आपने सीएससी में मतलब कही थी कि जो भी प्रथम डोज लेने वाले व्यक्ति हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के डोज नहीं ले सकते, क्या मतलब सर? इसमें जो प्रथम जिन्होंने प्रथम डोज ले ली है जी, उनको द्वितीय डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जी जी। प्रथम डोज अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी, प्रथम डोज रजिस्ट्रेशन पर ही मिलेगी, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन कराएं उसके बाद डोज लगाई जा सकती है। कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जी। सभी लोग जो अब टीकाकरण कराना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराएं, जैसे कि आप सभी ने देखा कि कोविड में काफी हमारे लोग प्रभावित हुए, तो जितना लोग टीकाकरण कराएंगे उतना ही वो उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।